हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच की। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया है। और रोहित शर्मा ने इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों किया है ये भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। और हाँ, अगर आप लोग क्रिकेट की इस प्रकार की न्यूज से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब आपको बता देते हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित टीम इंडिया की धाकड़ प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हर एक मैच में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाती नजर आ रही है, जिस पर नजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया अवश्य जीत जाएगी। लेकिन आगे क्या होता है ये तो देखकर ही पता लगेगा, इसीलिए इस बात को तो छोड़ते हैं और करते हैं आज के मैच की बात। हाँ तो दोस्तों, आज का मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है और ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसमें नंबर 1 और 2 पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा और दाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पिछले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए इनको इस बार ओपनिंग करने का मौका दिया गया है। लेकिन क्या श्रेयस अय्यर इस मौके का फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं ये तो देखकर ही पता लगेगा। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, इसीलिए इनको इस बार तीसरे नंबर पर खेलने का मौका दिया है। इसके बाद में इस प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे और पांचवें नंबर पर खेलने का मौका दिया है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को। इसके बाद में प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर रविचंद्र अश्विन और सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है। वहीं आठवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर तो नौवें नंबर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। इसके बाद में कप्तान रोहित शर्मा ने 10वें नंबर पर केएल राहुल और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका दिया है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी मौका दिया है। हाँ तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया न्यूजीलैंड की टीम से कैसे सामना करेंगी। हाँ तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।